सो आज हमारे वापस जाने का दिन आ चुका है एंड बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई है. गाइस, हियर माय सूपी. कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, क्योंकि मुझे फीडबैक मिलती है और मुझे मज़ा आता है. एंड ऑल्सो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगेगी तो. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे. सो आज हमारे वापस जाने का दिन आ चुका है एंड बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई है. हमने भाग भाग के पैकिंग कर ली है. कल मैं शाम को, आपने कल वाले व्लॉग में देखा होगा कि हमने ब्रेकफास्ट के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग की थी, अंडे, ब्रेड एंड ऑल आलू फालतू लटरम पटरम. पर अब हमारे पास समय नहीं है और हम नहीं चाहते कुक करना और फिर क्लीन करना, और वैसे भी लेट हो गया. सो हम क्विकली ये पास वाले टाउन में जाके ब्रेकफास्ट करेंगे एंड यही प्लान है. उसके बाद हम घर की तरफ रवाना होंगे या फिर थोड़ा सा ना साइट सीन करेंगे, आसपास घूम लेंगे, देन घर ही जाना है और कोई सारे लोग फ्री हैं. सो यस, यही प्लान है. अब चलते हैं, कुछ खाते हैं, पहले पेट पूजा करते हैं और बाहर गीली भी हो गई. तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम ये प्यारे से टाउन से जा रहे हैं. आपको मैंने कल भी दिखाया था, हैलीबर्टन है इसका नाम, और यहाँ पे एक छोटू सा रेस्टोरेंट है. ओके, हमारे को लग रहा है कि मैंने ऐसे ही सोचा और मुझे पता है कि इस टाउन का नाम क्या है, पर एक्चुअली मैंने किसी बोर्ड पर पढ़ा है. पर हम हिम्मत को नहीं बताएंगे, वी कीप इट अ सीक्रेट. Hey, you looked on the board? No, I just created it in my mind. I think you looked on the board. No. I know you said a board. Maine, this town's name is Minden. Minden? Yes. Now it turned to Minden? It's New Town. New Town? Yeah, it's Minden. I think you just dropped the board. No, I just created it in my mind. I'm a smarty pants. ओके, सो हम लकी हैं कि जो पिछले दिन हम दो दिन आए थे, अच्छा वार्म मौसम था, अच्छा एंड वार्म था मौसम, पर आज बारिश हो रही है सुबह से. रात को भी इतनी बारिश हुई कि जो हमने बोनफायर जल लाया था बारिश ने बुझा दिया है ना वो. अदरवाइज ये लोग और ज़्यादा समय स्पेंड करने वाले थे बाहर. मैं और हिम्मत तो अर्ली आ गए थे अंदर लाइक 11:30 बजे, पर 12 बजे बारिश होनी शुरू हो गई तो ये भी अंदर आ गए एंड अभी तक बारिश हो रही है. सो हम एक्चुअली हम सोच रहे थे कि और एक्सटेंड कर लेते हैं रहने का, पर अब सोच रहे हैं कि चले जाते हैं कि बारिश है, पता नहीं अगला दिन भी बारिश वाला ही है. सो हम घर की तरफ रवाना होंगे. सो एंड ऑफ द डे हम लोग लेने वाले हैं ब्रेकफास्ट इम्पोर्टेंट से, क्योंकि जहाँ पे हम बैठ के खाना चाहते थे वहाँ पे 10 बंदों की जगह नहीं थी. सो हमने डिसाइड किया है यहाँ से ब्रेकफास्ट पिक करते हैं एंड कहीं अच्छी लोकेशन में बैठ के खाएंगे, क्योंकि बारिश भी बंद हो गई है एंड आउटडोर बैठना अच्छा है, यू नो इनडोर डर ही लगता है. और हिम्मत ने अपने लिए लंच ले लिया है एंड हस्बैंड, यू वांट टू से हाय एंड गुड मॉर्निंग, एनीथिंग यू वांट टू से. हाय गाइस, डैडीज यूट्यूब चैनल, वेलकम गाइस, टुडे इज डैडीज यूट्यूब चैनल डे एंड डैडीज गोना रिव्यू दिस यूट्यूब चैनल. तो तू रिव्यू करना अपना यूट्यूब चैनल. मिम्मी कितना मजाक उड़ाता है जब डैडी वीडियो. सो खाना आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड भी है. और मैं हस्बैंड को बता रही थी कि मुझे पता नहीं था कि मुझे टिम हॉर्टन से प्यार हो जाएगा, पर हो गया है. तो टिम हॉर्टन खा के ऐसे लगता है कि आप घर में ही हैं. एक्चुअल तो घर ही आई. ओके, सो ये यहाँ आइसक्रीम पार्लर है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहर बैठने की जगह है तो यहीं पे बैठ के खाने वाले हैं हम लोग. सो एंड ऑफ द डे हमने डिसाइड कर लिया आइसक्रीम खाने के लिए, तो मैं खाने वाली हूँ मेरा फेवरेट बबल गम. सो
थोड़ी दूर आके हमने ब्रेक ली है यहाँ पे. ये प्यारा सा छोटा सा कॉर्नर सा है, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है एंड आई डोंट नो वो क्या है. सो यहाँ पे ये प्यारी सी डकीज़ हैं, बहुत ही प्यारी वाइट. मैंने सोचा इनकी वीडियो बनाती हूँ. जैसे ही मैं इनके पास गई वो भागी 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 एंड ये गेट के नीचे से गर्दन झुका के निकल गई. हस्बैंड कह रहे हैं वो बेचारी बाहर घूमने के लिए आई थी, तुमने उन्हें वापस अंदर डाल दिया. सॉरी गाइस. सो इस समय हम घर के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं, 20-25 मिनट दूर. तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि सारी फैमिली इस डिनर आज इकट्ठा कर लेते हैं बाहर, क्योंकि देसी फूड खाने के लिए मन है और फिर अपने अपने घर की तरफ रवाना होंगे. तो हमने यहाँ पे क्विकली डिनर किया, बहुत ही मज़ेदार फूड लगा हमें. सो हम घर पहुँच चुके हैं, हर तरफ फैला हुआ है सामान, पर फ्रिज में रखने वाली चीज़ों को मैंने रख दिया है. टॉयलेटरी वाले बैग को लेके जा रही हूँ मैं अपने. ओके दोस्तों, तो हम घर पहुंच चुके हैं, नीचे सारा सामान बिखरा पड़ा है. फ्रिज में रखने वाली चीज़ों को मैंने रख दिया है एंड मैं नहाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरह नहा नहीं पाई हूँ, क्योंकि वो शावर था बहुत छोटा था और पानी का मेरा सेटअप नहीं हो रहा था. मैंने मज़ेदार नहीं नहा पाई. अब मैं मज़ा लेके नहाने वाली हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी. कल सुबह हिम्मत का स्कूल है एक्चुअली, पर लंच में क्या देना वो कल ही सुबह सोचा जाएगा. एंड यस, सो मैं आपको कल मिलूँगी एंड इस व्लॉग को हम कल कंटिन्यू करेंगे. बहुत बुरी तरह थकी हूँ मैं, क्योंकि जब भी हम वहाँ पे रहे हैं 2 दिन, सो जितने दिन भी हम वहाँ पे रहे हैं 2 रातें 3 दिन, मुझे अच्छी नींद नहीं आई है. आई होप कि आज मुझे अच्छी नींद आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ एंड अपने बेड से काफ़ी दूर रही हूँ और उम्मीद है कि अच्छा सोऊंगी मैं. सो मैं आपको सुबह मिलती हूँ. ओके बाय. सो अगला दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग था. मैं सारा दिन रिलैक्स कर रही थी, क्योंकि ये वकेशन में मज़ा था, मुझे बहुत आया. पर मेरी कमर में बहुत बैड दर्द था जो आराम के साथ ही जाएगा. सो मैंने काफ़ी आराम किया, पर रात को मैंने वीडियो बनाने की शुरुआत कर ली. सो वो मैसेज जो भी मैंने रिकॉर्ड किया वो मैं आपको सुनाती हूँ. एडिटिंग में मैं बहुत ज़्यादा समय स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि एवरी डे वीडियो अपलोड हो. सो उसके लिए मुझे ज़्यादा एडिट करना पड़ता है, ज़्यादा शूट करना पड़ता है. सर सारे काम ज़्यादा हो गए हैं. सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या बार बार आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मदद होती है. मैं बहुत मेहनत करती हूँ दोस्तों वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, आप तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है. सो आपका नन्ना सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मददगार होगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बार में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर छोड़ें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि मुझे फीडबैक मिलती है और मुझे मज़ा आता है. एंड ऑल्सो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगेगी तो. सो आज मैं कर रही हूँ एडिटिंग बैक टू स्कूल व्लॉग की. हमने इस बार पहली बार शूट किया है बैक टू स्कूल, क्योंकि मुझे लगता है इस बार हिम्मत ग्रेड 2 में जा रहा है और इस बार वो ज़्यादा काइंड एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि पिछला 1.5 साल से वो स्कूल नहीं गया है. और एक हम चाहते हैं कि ज़्यादा शॉपिंग की उसको एक्साइटमेंट डाल के उससे स्कूल के लिए रेडी किया जाए, क्योंकि उसे भी कहीं ना मुश्किल होगा घर से बाहर जाना. एक तो जब वो छोटा था वो कभी भी डे केयर में नहीं रहा है, वो हमेशा मेरे साथ रहा है. बड़ी मुश्किल से मैंने उसे आदत डाली थी स्कूल जाने की, उससे एंड मेरी मुझे भी, क्योंकि उससे दूर रहना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था. अगर आप मुझे पुराने सब्सक्राइबर आपने देखा होगा कितनी बुरी हालत थी मेरी जब उससे मैंने पहली बार स्कूल भेजा था. सो या इस शॉपिंग के जरिए हम दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं ये बैक टू स्कूल सीज़न के लिए. एंड इस बार थोड़ा स्केरी भी है स्कूल जाना, क्योंकि वैसे तो कोरोना की सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल ही चल रही है, पर बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं हुई तो थोड़ा डर तो लगता है. आप मुझे ज़रूर से बताना कि आप अपने बच्चों को सेंड कर रहे हैं या नहीं. अब मैं अपना एडिटिंग का प्रोजेक्ट फिनिश करूँगी एंड मैं आपको सुबह मिलती हूँ बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ. I love you, I love you, I love you, I love you.
waiting for a dream.